ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जे डिवीजन जे सिंध जे नायब सदर मुइज कायम खानी जी अगवाणी में शहरी जो मंशियात के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं जिन शाह लतीफ़ चौक का रैली कढ़ी प्रेस क्लब अगैं एहतजाजी हथन में प्ले कार्ड खी एहतजाजी मुजाहरों कर अचो तो इन्हों गाल बोल क्यों जिदोजिद करूँ पाया मंशियात अस बंद भी कराई हुई सी बटे महीने अग में जो सफीना जी एन डी छापो लगो तेमें सूबेदार पुलिस वा मोतिल था थवा जी एन डी जो डीलर वो जो है उमरकोट में है जेसो मल जो मेरा एस पी डी एस पी और एस एच ओ साहब से भी मुतालबा है और इंतजामिया से भी कि जो भी सफीना गुटका और मंशात फरोशी के अंदर अपराध मुलविस हैं और जो इस चीज़ को फ़रोग दे रहे हैं उनसे अपील करते हैं कि आवाम की जिंदगियों के साथ ना खेला जाए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस ऐसी नासूर चीज़ को इस इलाके से ही क्या इस मतलब सुबह से ही ख़त्म कर दिया जाए। जो सामारो डी एस पी सताल को सामारो एस पी उमरकोट इन सभी से गुजारिश है कि हि जो नौजवान नसल तबाह थी रही है इन मंशियात के अंदर मेहरबानी करें इनसे सख्त कार्रवाई करें इन का नौजवान नसल के बचाया वे जिन ये एहतजाज अज अस कड़ी है इन वाई पी एच आर के तरफा यूथ पार्लियामेंट ह्यूमन राइट्स के तरफा इन एहतजाज के अं भी असं अगर वधाई आवाम के हकन के लिए अगर वींदी मेहरबानी कर जी अवं मंशियात के खिलाफ एहतजाज की गाल बोल बुधी है इन चवण है तो मंशियात सिंध समेत जिले उमरकोट में एक नासूर बन वो है जे सबब नौजवान नसल तबाह थी रही है इन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान डी आई जी ऑफ मीरपुर खास का मुतालबो किया है तो मोदी मर्द मंशियात का छुटकारो दई इंसान की जिंदगी का बचाया वे। कैमरामैन जी एम खोसो सा गुड अर्शद हुसैन काश न्यूज़ समारोह।